विनोद है, एजेंट विनोद यही भाई है जो अब 3 दिन ऊपर लेकर जाएंगे, होपफुली सलामत ले आना आप। पीछे देखा, ये एक पॉलिटिकल पार्टी की रैली थी। यहाँ पे 2 पार्टीज़ हैं, मैं उनका यहाँ पे डाल दूंगा। मैंने एक्चुअली पिछली वीडियो में बताया था ऐसे रैली चल रही है यहाँ पे, अभी भी चल रही है, शायद आपको आवाज़ आएगी, अभी आएंगे। अभी ये वाली पॉलिटिकल पार्टी की रैलीज है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो यार रिसेंटली जो पार्टी आई है ना, शायद उसको प्रमोट करने के लिए, उनके पॉलिटिशियन को ऊपर दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। ये वेस्ट बंगाल में भी होता भाई, वेस्ट बंगाल में भी आते वक्त हमें दिखी थी ना। अभी इलेक्शन बता रहे हैं ना आने वाले इनके, ये वेस्ट बंगाल के, हाँ इन्हीं के लिए, इसी एरिया में, सिक्किम के इसी एरिया में। अच्छा अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में मतलब, हाँ, तो कहने का मतलब कल्याण वाली साइड। अच्छा अच्छा यार, हम लोग निकल चुके हैं अभी नॉर्थ सिक्किम के लिए। एंड यहाँ पे मेरे को एक नया रूल पता चला, वो ये है कि यहाँ पे कोई भी कार में आप लोग 4 से ज़्यादा बंदे नहीं बैठ सकते, अदरवाइज देर इज़ अ रूल कि देर विल बी अ फाइन। कितने कितने का है जी फाइन? फाइन 2500 रुपये का है फाइन। और ये पहले हुआ है या फिर होता रहता है ओवरलोड का फाइन 2500 देख देख के। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है जी वैसे? सुहांग। ओके, तो ये भाई छोड़ रहे हैं हमें। नॉर्थ सिक्किम का अलग से स्टैंड है, क्या नाम है जी, वाजरा स्टैंड है। वहाँ से नॉर्थ सिक्किम की सारी जो कैब्स हैं वो रवाना होती हैं, शेयर हो प्राइवेट हो, सारी वहीं से जाती है ना। हाँ, तो वहाँ के लिए MG मार्ग से आप लोग टैक्सी ले सकते हो, 150-200 रुपये लेते हैं, वो दे देना। उसके अलावा बस तो नहीं जाती ना, बस तो है ही नहीं, है ही नहीं, और ऑटोज तो है ही नहीं यहाँ पे, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन। ऑटो रिक्शा कभी नहीं थे या फिर अभी कुछ रूल नहीं, कभी नहीं थे? अच्छा अच्छा, चलो पहुँचते हैं वहाँ पे। उसके अलावा मेरे को एक चीज़ बतानी थी, नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए अभी कोविड में आपको एक पास बनाना पड़ता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्टर कर सकते हो। अगर फैमिली में आ रहे हो तो एक का ही रजिस्टर कर देना और उस पर ऐड कर देना। वही कर रहा था ना तूने? हाँ, ट्रैवल कार्ड हाँ, वो अभी कोविड की वजह से ही करा है। और परमिट तो गाइड ही बना देता है। तो यार आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जिस गाइड को ले रहे हो, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम आप गाइड के साथ ही जा सकते हो, आप अकेले अपने आप नहीं जा सकते, अनलेस आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ रहे हो तब जा सकते हैं ना, खुद नहीं जा सकते तब भी। जो बाइक लेकर आते हैं फिर वो जा सकते, कार में नहीं जा सकते। अच्छा अच्छा, तो यार जो बाइक लेकर आ रहे हो अपनी, वो बाइक कहीं की भी हो सकती है या फिर सिक्किम की होनी चाहिए? कहीं की भी हो सकती है, कहीं की भी हो सकती है। तो बाइक अगर आप लेकर आ रहे हो तो खुद जा सकते हो, अगर कार बार में आ रहे हो तो नहीं, खुद नहीं जा सकते, आपको गाइड ही बुक करना पड़ेगा। उसका प्राइस क्या है, डिटेल्स क्या है, वो थोड़ी डिस्क्रिप्शन में होगी और मैं थोड़ी देर में बता भी दूंगा। भाई बता रूल क्या है अभी नॉर्थ सिक्किम की गाड़ी में? बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे। प्राइवेट कैब करोगे तो आगे एक बैठेगा, पीछे कितने बैठ जाओ। हाँ, लेकिन जब वो शेयर वाली अपन करवाते हैं उसमें आगे 2, 4, 4, उसमें तो ठूस ही देते हैं लोग, उसमें ठूस देते हैं। अभी जैसे मैं पीछे बैठा हुआ हूँ यहाँ पे और ये लोग 3 आगे बैठे हैं और एक बंदा आगे बैठा है, हम रोटेट करते रहेंगे। भाई मैं तो हूँ ही ब्लॉगर, आगे तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा मेरे को, आपको नज़ारे दिखाने पड़ेंगे ना। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे, रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है और वो अडहर नहीं करोगे तो फाइन लगा देते हैं। चलते हैं अभी। भाई आपका नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं नहीं, ड्राइवर भाई, ड्राइवर का नाम आपको तो पता है, विनोद। विनोद भाई हैं अपने ड्राइवर, लेके जाएंगे। एजेंट विनोद, किलोमीटर है यहाँ से 125। तो यार 125 किलोमीटर है, अभी हमने कितने करे होंगे, 5-6।
अभी किया है 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर कर चुके हम लोग अभी। यार एक भाई है उसको थोड़ी सी हो जाता है यार, माउंटेन्स में हो जाता है, खाने की वजह से हो सकता है, बहुत चीज़ों की वजह से हो सकता है यार, होता ही है ना, बहुत लोग सबको ही होता है। आपका नाम क्या है भाई बता दो? मेरा नाम विनोद है। विनोद है, एजेंट विनोद। यही भाई हैं जो अब 3 दिन ऊपर लेकर जाएंगे, होपफुली सलामत ले आना आप। भाई कैसी लग रही है तेरे को अभी तक? अभी तो हाँ अभी तो शुरू हुई है। अभी ये सीनरी ऐसी चलती है या फिर कैसे चेंज हो जाती है? नहीं अभी आपका जो लाचुंग से ऊपर सीनरी थोड़ा चेंज हो जाएगा। लाचुंग से लाचेन? नहीं आज हम लोग लाचुंग जा रहे हैं, कल लाचेन है। कल आज लाचुंग जा रहे हैं? आज लाचुंग जा रहे हैं, कल है लाचेन। तो कल लाचुंग से लाचेन और फिर गुरु डोंगवर। जीरो पॉइंट भी कल ही है। कल है जी। तो कल 0 पॉइंट जाएंगे फिर वापस फिर गुरु डोंगवर ऐसे? नहीं लाचेन जाके कल परसों जाएंगे। परसों गुरु डोंगवर जाएंगे। अच्छा तो यार दो राउट्स होते हैं यूजुअली, एक तो होता है पहले लाचेन जाते हैं फिर गुरु डोंगमर फिर लाचेन वापस फिर लाचुंग फिर युमथांग फिर वापस। हम ले रहे हैं पहले लाचुंग फिर यमथांग 0 पॉइंट, यमथांग 0 पॉइंट कल, कल कल और फिर कल ही लाचेन पहुंच जाएंगे। कल ही लाचेन और लास्ट डे गुरु डोंगमर और वापस जी। अच्छा तो यार ये दो राउट्स होते हैं भाई, ठीक है भाई। कोई बात नहीं, होता ही है सबको। आपने कोई मेडिसिन रखी अपने साथ? नहीं। माउंटेन वाली या लेमन रख लेना चाहिए, लेमन से ना वो चले जाता है 42.8% वाला। कोई बात नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे रोके हैं, अभी थोड़ी देर में निकलेंगे, बाकी चीजें बाद में बताता हूँ। पीछे देख सकते हो एक छोटा सा झरना बह रहा है जिसका नाम हमें पता है नहीं, बिकॉज ड्राइवर ने बताया ही नहीं। इसको कर देते हैं XYZ गैंगटॉक के पास वाला झरना, मेरे को नाम पता नहीं है ऑनेस्टली, अगर पता चलेगा तो नीचे लिख दूंगा। क्यों भाई कैसा लगा? कुछ खास तो इतना है नहीं भाई, आपको कैसा लगा? आप इससे बेटर ही देखा होगा आपने, कालिम्पोंग में भी है ना ऐसा ही कुछ है यार, देख लो छोटा सा ही है। ठीक है ऐसे छोटे छोटे स्टॉप्स देते रहते हैं इस नॉर्थ सिक्किम वाले ट्रिप में। चल रहे हैं वापस? चलो चलो चलो। ये दो ही हैं यहाँ पे, एक टाटा सुमो है, एक जायलो है और एक हमारी बुलेरो थी, तो ये 3 जाती हैं यहाँ पे। भाई इस वाटरफॉल का नाम क्या है ये तो बता देते। बटरफ्लाई वाटरफॉल, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, मैं वही कहूँ वाटरफ्लाई क्या होता। यार ये हमारा 3rd स्टॉप है एंड यू कैन सी टीस्टा रिवर नीचे। दिस इज एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, सिक्किम से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट बंगाल में जाती है इनटू बांग्लादेश एंड बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इसकी अगर मैं बोलूं कि कितनी लंबी है ये रिवर, इट्स अराउंड 315 किलोमीटर। इसका जहाँ तक मैं रिसर्च कर पाया कि इसका इसके अराउंड डैम्स वैम्स भी बनाए हुए हैं टू कंट्रोल द करंट ऑफ दिस रिवर, बिकॉज इसका करंट नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए दे आर मेड डैम्स। और आप वेस्ट बंगाल और सिक्किम जब क्रॉस कर रहे होगे यू विल सी, आप एक छोटा सा ब्रिज क्रॉस करोगे उसके नीचे ही टीस्टा रिवर है और उससे पहले काफ़ी डैम्स बने हुए हैं। एंड दिस प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल बिकॉज दिस हेल्प्स इन डीमार्केशन ऑफ नेपाल भूटान एंड सिक्किम, बीच में है एज यू माइट नो, सिक्किम के ऊपर तिब्बत है, साइड में नेपाल है और भूटान है और नीचे इंडिया और उसके नीचे बांग्लादेश है। सो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ज्योग्राफिकली वेरी सेंसिटिव एरिया बिकॉज इतनी सारी कंट्रीज जब साथ में होती हैं तो उनकी जो बॉर्डर एरियाज होते हैं उसके साथ सिक्योरिटी होती है एंड आर्मी फोर्स होती है। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई जो बागडोगरा है, बागडोगरा इज़ अ डिफेंस एयरपोर्ट, इट इज़ द गेट वे टू, एक सके गेट वे टू नॉर्थ ईस्ट ही कह सकते हैं बिकॉज यहाँ के जो नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स को ही नॉर्थ ईस्ट मानते हैं, बट दे डोंट कंसिडर सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल एज नॉर्थ ईस्ट, दे कंसिडर इट एज ईस्ट। तो जैसे मैं बता रहा था बागडोगरा एयरपोर्ट इज़ अ डिफेंस एयरपोर्ट, उसके अलावा
सिलीगुड़ी है, सिलीगुड़ी में भी काफ़ी कंट्रोलमेंट एरियाज एंड ऑल है, सो इट्स अ हाई सिक्योरिटी एरिया। काफ़ी बोल लिया, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लिया हमने, दैट्स अ प्लेस जहाँ पे मैगी चाय वाय सब खा सकते हो एंड एवरीबडी हैज स्टॉप्ड हियर टू टेक पिक्चर्स। इसके बाद चलते हैं, आई थिंक वी हैव कवर्ड अराउंड 30-40 किलोमीटर्स सो फार। यार आगे मैं बैठ गया हूँ थोड़ी देर के लिए एंड भाई ये बता रहे थे जो ये रोड है ना, दिस वॉज बिल्ड बाय द ब्रिटिश, ये वाली ब्रिटिश ने बनाई थी ना, ये वाली ब्रिटिश ने बनाई थी पहले, जो कनेक्ट करती है ये वेस्ट बंगाल और सिलीगुड़ी को भी कनेक्ट करती है, सब कनेक्ट करती है, ये मेन हाईवे, मेन हाईवे है। क्या नाम है हाईवे का, ये हाईवे का नाम तो नहीं पता है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे है, ये ब्रिटिश के टाइम पे बनाया था। और भाई ये बता रहे हैं कि सिक्किम एंड नॉर्थ सिक्किम के लिए दो रास्ते हैं यूजुअली, एक काफ़ी लंबा रास्ता है जो पहले का बना हुआ है, दिस जिस पे हम जा रहे हैं इट्स बिल्ट बाय ब्रो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड ये रिसेंटली बिल्ट है, आप कह रहे 3-4 साल पहले ही बनाया वाला जी। हाँ तो ये छोटा रास्ता है, दिस कनेक्ट्स सिक्किम टू नॉर्थ सिक्किम, पूरी वाइंडी रोड्स हैं, बिल्कुल ऐसे जुग 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 ऐसे जाती हैं। ये भाई तो ट्रेंड है ऑब्वियसली, नॉर्मल लोग प्रॉब्ली विल हैव अ प्रॉब्लम इन रोड्स पे चलाने में। यार अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे हैं, इस रेस्टोरेंट का नाम हमें पता नहीं है, हमें नाम कोई बता ही नहीं रहा आजकल, पता नहीं क्या ही हो रहा है। वाटरफॉल का नाम नहीं पता था रेस्टोरेंट, मंगन में है भाई, अभी खा रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। कैसी जर्नी जा रही है तेरी भाई, बता जरा थोड़ा सा। जो स्पेशली जो पीछे बैठता है ना, मैं सोच रहा हूँ उस भाई की हालत अभी क्या हो रही होगी, एक घंटे बाद ही ऐसा होने लग जाता है कि भाई और ना हो पाएगा। आई एम नूब, तभी मैं आगे बैठा था, अब देखते हैं हम रोटेट करते रहेंगे। उसके अलावा ठीक है यार, मतलब रोड्स ठीक ठाक थी फॉर द मोस्ट पार्ट, अभी मंगन आने से पहले रोड्स थोड़ी ख़राब थी बिकॉज वो भी बिल्ड होनी थी बट अभी कोविड की वजह से बंद हो गई थी कंस्ट्रक्शन। उनको तो बहाना चाहिए होता है भाई कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट लग चुका है और वो टंगे ही रहता है, 4-5-6-10 साल लग जाते हैं बनने में। विद दैट सेट, अभी और 40-50 किलोमीटर तो हैं, हम 5-6 बजे तक पहुँच जाएंगे लाचुंग एंड उसके बाद देखेंगे वहाँ पे जो लोकल जो होंगे उनसे बात करेंगे या जो भी होगा। अब यार 2-3 दिन हम सिर्फ अभी इस गाड़ी में ही होंगे तो मैं इतना क्या ही बोलूँ, जो भी फैक्ट्स होते रहते हैं वही रिपीट करते रहता हूँ। विद दैट सेट, मिलते हैं गाड़ी में। खाना खा लिया यार हमने, बीच में एक ब्रिज आता है जो ये ईस्ट सिक्किम और नॉर्थ सिक्किम को कवर करता है, मतलब उससे आप नॉर्थ सिक्किम में एंटर कर जाते हो। वो ब्रिज थोड़ी देर पहले आया होगा, मैं यहाँ पे डालने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा बस निकलने लगे, यहाँ से भी करीबन 52 किलोमीटर्स है एंड दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पम्प, ये वाला दिस इज़ द लास्ट पेट्रोल पम्प, इसके बाद कोई पेट्रोल पम्प नहीं है जितना ड्राइवर ने बताया। इससे 6 किलोमीटर पहले भी था जहाँ पे रिफ्यूलिंग हुई थी और वन ऑफ द रीजंस व्हाई दे यूज बलेरो हियर इज बिकॉज ये माइलेज अच्छा देती है, तो भराने की जरूरत नहीं पड़ती, इनोवा एंड ऑल में कम माइलेज होती है। यहाँ तक जो भाई ने बताया इसमें इस हिली रीजन में 12-13 की एवरेज देती है, सो दिस इज़ अ साइड नोट फॉर यू। इसके अलावा ये गेट है, यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंसेज लिखे हुए हैं, गुरुडोंगमर, लाचेन, चुंगथांग, सबके डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं। यार ये सब लोग भाई लोग बना रहे हैं। हेलो भाई, क्या नाम है आपका? सत्यम सर। सत्यम,